बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू CSS ऑनलाइन अकेडमी COA जनरल साइंस एंड एबिलिटी के पास पेपर की सीरीज़ में आज हम सॉल्व करेंगे CSS 2021 के क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट डी। नाउ मूव टू द क्वेश्चन स्टेटमेंट। क्वेश्चन की स्टेटमेंट वो ये कह रहे हैं कि मिस्टर राहिल इन्वेस्टेड 60,000 रुपीज़ इन एन अकाउंट दैट अर्न सिंपल इंटरेस्ट। At the end of a 5 years, the investment is worth 85,000. Calculate the rate of simple interest per years. इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट में वो ये कह रहे हैं कि मिस्टर राहिल जो थे वो इन्वेस्ट करते हैं 60,000 रुपीज़ एक बैंक अकाउंट में, ठीक है। उस बैंक अकाउंट में सिंपल जो इंटरेस्ट रेट होता है वो लगता है, ठीक है। 5 साल के टाइम गुजर जाता है तो उनकी जो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट होती है ना वो हमारे पास हो जाती है 85,000, ठीक है। अब उन्होंने आपसे ये कहा है कि आप रेट बता दें सिंपल, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था रेट, ठीक है, वो बता दें 1 साल के लिए। मतलब उन्होंने 5 ईयर्स के लिए रखा था, आप 1 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दें। नाउ हम इसका सलूशन देख लेते हैं, ठीक है। सलूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे डेटा। डेटा कहते हैं उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी, ठीक है। इन्वेस्टमेंट हम जो पैसे बैंक को देते हैं या इन्वेस्ट करते हैं ना उसको हम प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कह लें या प्रिंसिपल अमाउंट कह लें दोनों का नाम एक ही है, ठीक है। वो मिस्टर राहिल ने की थी 60,000 रुपीज़। टाइम हमारे पास पीरियड था 5 ईयर्स का। अमाउंट हमारे पास होगी 85,000 रुपीज़ 5 साल के बाद, ठीक है। उन्होंने आपसे डिमांड किया रेट, ठीक है। रेट बता दें, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है वो हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अमाउंट, अमाउंट हमारे पास क्या चीज़ होती है कि देखें आप बैंक के पास पैसे रखवाते हैं तो आपको कुछ टाइम के बाद वो उसमें प्रॉफिट ऐड करके देती हैं, ठीक है। तो अमाउंट वो चीज़ होती है जिसके अंदर आपकी ओरिजिनल अमाउंट, ठीक है, जो आप बैंक में इन्वेस्ट करते हैं जिसको हम प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं, वो और उसके साथ मार्कअप, मार्कअप हो या प्रॉफिट हो दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है, एक ही चीज़ के दो नाम हैं। तो प्रिंसिपल अमाउंट और मार्कअप को जब हम मिला लेते हैं ना, प्रॉफिट या मार्कअप को, तो उसको हम अमाउंट कहते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये था कि जो अमाउंट उन्हें दी हुई, हमें प्रिंसिपल अमाउंट दी हुई थी, ठीक है, लेकिन हमारे पास मार्कअप नहीं दिया हुआ था। हम इसमें से सबसे पहले मार्कअप निकाले थे। मार्कअप क्यों निकालते हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए जो इन्होंने हमसे पूछा था रेट, ठीक है, रेट का जब हम फार्मूला लिखते हैं तो हमारे पास एक प्रॉफिट का फार्मूला होता है PRT डिवाइडेड बाई 100, ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये पी जो है ये प्रॉफिट है या मार्कअप है, ठीक है। पी से प्रिंसिपल अमाउंट है, आर से रेट है, टी से टाइम है और डिवाइडेड बाय 100 है, ठीक है। अब हमारे पास प्रॉफिट क्या है, यहाँ पे अमाउंट नहीं दी हुई ना, हमने आर निकाला, हम आर निकाल सकते। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास है, टाइम हमारे पास है, 100 है, लेकिन हमारे पास ये चीज़ नहीं थी। तो हमने अमाउंट में से सबसे पहले हम मार्कअप या प्रॉफिट के अमाउंट निकाल लेते हैं, ठीक है। इसके लिए हमने असल में हमने यहाँ पुट करने थे, इसलिए हम यहाँ पे वैल्यू निकाल रहे हैं। हम निकाल लेते हैं, अमाउंट हमारे पास 85,000 थी, प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास 60,000 थी, क्योंकि ये यहाँ पे प्लस हो रहा था ना इस साइड पे, इसलिए जाके ये माइनस हुआ है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं हमारे पास आ जाता है आंसर, प्रॉफिट इज इक्वल टू 25,000 रुपीज़, ठीक है। अब हम लिखते हैं मार्कअप हो या प्रॉफिट, दो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। रेट डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाई टाइम, ठीक है। ये PRT वाला शॉर्ट फॉर्म जल्दी से याद हो जाती है। इसमें हमने रेट को वैसे का वैसे ही लिख दिया है, प्रॉफिट के अमाउंट लिख दिया है, प्रिंसिपल अमाउंट लिख दिया, टाइम पीरियड 5 ईयर्स का लिख दिया है। अगेन हमने सिंप्लीफाई किया है, इधर 100 डिवाइड हुआ था उधर जाके मल्टीप्लाई हो गए, 60,000 इधर मल्टीप्लाई था इधर जाके डिवाइड हो गया, 5 इधर मल्टीप्लाई था इधर जाके डिवाइड हो गया है। जब हमने इसको सबसे पहले तो 0,0 की कटिंग कर ली, उसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई किया 5 के टेबल से, तो हमारे पास ये 50/6 आया। उसको मजीद सॉल्व किया तो हमारे पास 8.33% आ गया है, ठीक है। उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा था तो रेट हमारे पास 8.33 आ गया है। अब हम अगेन आंसर की हेडिंग देंगे। आंसर की हेडिंग देने के बाद हम लिखेंगे सो द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर वाइल विल बी 8.33% के, एक साल के लिए जो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो था 8.33%। थैंक यू।